डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड्स एंड बेसिस। कल हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स एंड बेसिस। हम लोग अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पढ़ रहे हैं। उसमें पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स एंड बेसिस। सेकेंड वॉज रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाई कार्बोनेट्स विद एसिड्स एंड बेसिस, इजंट इट। सो कल हमने ये दोनों चीज़ें पढ़ी थी अलॉन्ग विद द एक्टिविटीज ऑफ बोथ द केमिकल प्रॉपर्टीज, फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द अदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सो थर्ड वन इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, मेटल का रिएक्शन बेसिस के साथ, या मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्शन मेटल्स के, मेटल बेसिस और एसिड्स के साथ, इजंट इट। अब हम पढ़ेंगे एसिड्स और बेसिस का टुगेदर क्या रिएक्शन होता है। अगर हम एसिड और बेसिस को कंबाइन कर दें तो क्या रिएक्शन होता है, ये आपने सेवेंथ क्लास में भी पढ़ा हुआ है। दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, सो रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस To give salt and water is known as neutralization reaction. तो general reaction इसकी क्या हो गई कि कोई भी acid जब base के साथ react करता है तो वो क्या बनाएगा, salt बनाएगा और water आपका form होगा। तो इसके दो examples यहाँ पे दे रखे हैं। NaOH, what is NaOH? It is sodium hydroxide. This is an example of base. HCl, what is HCl? It is hydrochloric acid. It is an example of acid. तो जब एसिड और बेस दोनों कंबाइन कर रहे हैं तो ये इट लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड एंड वाटर इज रिलीज्ड, फाइन। अगेन दिस वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जांपल, दैट इज हियर वी हैव टेकन अनदर एसिड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 हमने लिया है। इसको हमने कंबाइन किया है बेस के साथ, बेस कौन सा लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है हमने बेस। अब जब हम इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे, अगेन वी आर गोइंग टू गेट सॉल्ट एंड वाटर विल बी रिलीज। सो सॉल्ट यहाँ पे हमें क्या मिला, Na2SO4, सोडियम सल्फेट हमको यहाँ पे सॉल्ट मिला है एंड वाटर रिलीज हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। ओके, मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स। अब जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटेलिक ऑक्साइड्स को बनाता है। अब इन मेटेलिक ऑक्साइड्स का रिएक्शन हम देखते हैं कि एसिड के साथ क्या होता है। तो जनरल रिएक्शन अगेन हम देखते हैं, जब भी कोई मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, फाइन। तो अगर आप स्टूडेंट्स इन जनरल रिएक्शंस को याद कर लेंगे सो इट विल बी इजी फॉर यू, है ना। आप सारी रिएक्शंस को अगर याद करने बैठ जाएंगे तब तो इट विल बी डिफिकल्ट। अगर आप जनरल रिएक्शन को याद करेंगे और एक एग्जांपल आप याद कर लीजिए, इट विल बी मोर देन इनफ। तो यहाँ पे देखिए मेटल ऑक्साइड क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम मेटल है, उसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड। तो कौन सा मेटल ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब एसिड के साथ रिएक्ट किया, जो सा कि एग्जाम्पल में यहाँ पे दे रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, इसने बनाया सॉल्ट विच इज AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर का एवोल्यूशन हुआ, फाइन। अनदर एग्जाम्पल हम देखते हैं, अनदर एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड का। अगेन जिंक इज द मेटल, इट इज कंबाइनिंग विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, दिस इज द मेटल ऑक्साइड। इट इज कंबाइनिंग विद एसिड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कौन सा बनेगा, जिंक सल्फेट का सॉल्ट बनेगा और वाटर आपका रिलीज होगा। ओके, अब आप देखिए जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इनको हम बेसिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्यों, सिंस मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद द एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। मेटेलिक ऑक्साइड जो है हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देते हैं। जैसे अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर याद हो तो उसमें बेस और एसिड मिलकर के सॉल्ट और वाटर बना रहे थे, इजंट इट। सेम वे यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। सो सिंस मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट्स एंड वाटर, सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ ए बेस विद एन एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। ओके, इन द सेम वे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम एसिडिक ऑक्साइड्स भी बोलते हैं, जो कि हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे।
अब आपका रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस देखते हैं. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन सा लिया हमने यहाँ पे, कार्बन आपका नॉन मेटल हो गया, उसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाया. कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है बट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है. अब इसने कंबाइन किया बेस के साथ, यहाँ पे बेस का एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस का एग्जाम्पल है. जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बना और वाटर का इवोल्यूशन हुआ. जैसा कि मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया था कि मेटेलिक ऑक्साइड्स को हम बेसिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, इन द सेम वे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं और उनको हम एसिडिक ऑक्साइड्स बोलते हैं. तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, दोनों में ऑपोजिट है. मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड कहलाता है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड कहलाता है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा. नेक्स्ट थिंग इज कि क्या हम पानी को किसी भी एसिड में या बेस में एकदम से डाल सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो तो सकता है बट ऐसा करना नहीं है. क्यों नहीं करना है? सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन. सो व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और ए बेस इन वाटर सॉल्यूशन? द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक. जब भी हम पानी में एसिड और बेस या किसी बेस को हम मिलाते हैं तो बहुत ज्यादा हीट जो है रिलीज होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एक तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाता है, सेकंड कंटिन्यूअस स्टरिंग होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, पानी की कंटिन्यूअस स्टिरर. एक आपका अभी जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे और लैब वर्क करेंगे तो स्टिरर रहता है लैब्स में, उसके ऊपर हम बीकर रख देते हैं, बीकर में पानी डाला जाता है, उसको कंटिन्यूअसली स्टिर किया जाता है, वो हिलता रहता है और फिर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड या अपने बेस के पैलेट्स, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स होते हैं, उनको हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं पानी के अंदर. ठीक है, क्यों ड्रॉप बाय ड्रॉप या फिर पैलेट बाय पैलेट हम डालते हैं पानी के अंदर? अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर हम एकदम से बहुत सारा एसिड डाल देंगे, एकदम से बहुत सारा हम बेस डाल देंगे तो इतनी ज्यादा हीट इवॉल्व होगी, इट विल बी एन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जो हीट की वजह से सारा का सारा जो मिक्सचर है हमारा वो बाहर की तरफ आकर के गिर सकता है और हमारा जलने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं. इवन इतनी ज्यादा लोकल हीटिंग हो सकती है कि जो ग्लास कंटेनर आपका है वो भी ब्रेक हो सकता है. ओके, सो जब भी हम इसमें लैब में काम करते हैं तो हमको ये ध्यान देना है कि अगर हमको डाइल्यूट एसिड यूज करना है तो ऐसा नहीं है कि हमने एसिड लिया और उसके अंदर पानी को डाल दिया, ऐसा कभी नहीं करना है, सब आग लग जाएगी, सारा का सारा बर्निंग हो जाएगी फेस पे और पूरी बॉडी पे. ठीक है, आपको क्या करना है, पानी को लेना है, उसको स्टरर पे रखना है, उसको कंटिन्यूअस स्टर होना चाहिए और धीरे धीरे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते हो या फिर बेस के पैलेट्स डालते हो. फाइन, सो दिस कम्स आउट टू बी, आपके एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है. और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमने एसिड में पानी डाल दिया, मेन चीज यहाँ नोट करने वाली ये है कि हम यहाँ पे पानी में एसिड डालते हैं, कभी भी एसिड में पानी नहीं डालते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने बीकर में एसिड ले दिया और उसमें पानी डालना शुरू कर दिया, एकदम से सारा स्प्लैश आउट होकर के सारे बर्निंग हो जाएगी. आपको क्या करना है, पानी लेना है बीकर में और उसके अंदर आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालना है और एक्सेसिव बर्निंग, स्प्लैश आउट हो सकता है, इवन देयर कैन बी ब्रेक, कंटेनर भी ब्रेक हो सकता है. ये क्वेश्चन एक आपका एनसीईआरटी में बैठता है, आता है और जो है आपके बोर्ड में भी कभी कभी पूछा जाता है. तो अब क्या हो रहा है, हम जब भी पानी मिला रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं एसिड को, एसिड को हम डाइल्यूट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम. अब हमने वाटर में जैसे ही हम एसिड या बेस डालना शुरू किया तो क्या होगा, जो भी हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस नोन एज डाइल्यूशन. इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डाइल्यूशन. तो हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यूज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इजंट इट. तो हम डाइल्यूट का क्या मतलब है, हमने उसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स को हमने उसमें कम किया है. ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज, सच प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन.
तो स्टूडेंट्स हम आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल हम जो है बेस पीएच के बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल कंटिन्यू विद द पीएच. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हेयर. थैंक यू वेरी मच.